हे गाइस, आज मैं आया हूँ पुणे के शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। आप देख सकते हैं, ये जस्ट मेरे पीछे इसका मेन गेट है। मैं आपको यहाँ पर हर कुछ दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या है, कैसे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होता है, कौन कौन सी ग्राउंडें हैं, ठीक है। यहाँ अगर आपको याद होगा तो पिछले साल यहाँ पर खेलो इंडिया खेलों का भी आयोजित हुआ था। गाइस, ये है हमारा झारखंड का टीम। हम यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए, एक लेजर लाइक नेशनल इवेंट होने वाला है, जो कि बहुत ही बड़ा एक नेशनल इवेंट है। हम झारखंड टीम को रिप्रेजेंट करने यहाँ पर आए हैं। तो चलिए, रिप्रेजेंट करने के बाद आपको ये खेलो इंडिया खेलो जो यहाँ पर आयोजित हुआ था और ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ का भी आपको सैर करवाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही अंदर घुसेंगे आपको ये शिवाजी चौक मिलेगा। शिवाजी चौक से यह कॉम्प्लेक्स जो है चार भागों में बढ़ जाता है। गाइस, अभी आप देख सकते हैं मैं एथलेटिक ट्रैक के बाहर हूँ। मैं आपको चल के अब अंदर का व्यू दिखाता हूँ किस तरह का है। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कितनी अच्छी यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है। देख सकते हैं ये हॉकी का टर्फ, आपको लग रहा होगा ये घास है, लेकिन घास नहीं है, टर्फ है, जो कि आप तो गाइस, अभी मैं हूँ खो खो के कोर्ट में। आप देख सकते हैं, दिखाओ पूरा यहाँ पर जो है लाल मिट्टी का उपयोग किया गया है, आप देख सकते हैं, ताकि अगर जो बच्चे ड्राइव व्राइव मारते हैं तो उसे ज़्यादा इंजरी ना हो, ठीक है। और मिट्टी हमेशा ये थोड़ा जो होता है गीला होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं देश को मेडल दिलाने के लिए। छोटे बच्चों का चयन इसलिए किया जाता है क्योंकि छोटे बच्चों में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए छोटे बच्चे कर रहे हैं। ये अभी हम जिमनास्टिक के एरिना से निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं कबड्डी के कोर्ट में। ये जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। हम आपको कबड्डी कोर्ट पे लेके आए। हमारा लक बहुत ही अच्छा था कि यहाँ पर स्टेट लेवल का मैच चल रहा था, जिसे हम देख पाए। बहुत ही मज़ा आया यह देखकर। गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं टेनिस के कोर्ट। आप देख सकते कितना खूबसूरत ये है। यहाँ पर आए दिन नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, एक नहीं, यहाँ पर लगभग ऐसे ऐसे सात सात आठ आठ टेनिस के कोर्ट है। आप उधर देख सकते हैं, इसके पीछे भी वही है, इसके पीछे भी वही है। बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। ये इंडोर शूटिंग रेंज एरिया है, जहाँ पर 100-100 पार्टिसिपेंट एक बार में अपना पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा ये इंडोर शूटिंग रेंज है। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये साइकिल का भी ट्रैक है जो बन रहा है, अभी पूरी अच्छी तरह से बना नहीं है। यहाँ पर हमारा वीडियो होता है खत्म। यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो होता है वो होता क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें लगभग सारे गेम के लिए यहाँ पर ग्राउंड और कोर्ट मौजूद होते हैं। मैंने आपको यहाँ पर लगभग सारे चीज़ जितने भी यहाँ पर ग्राउंड और कोर्ट थे कवर किया है। एक दो छूट गए होंगे रेसलिंग वगैरह के, क्योंकि हमारे उधर अंदर जाने का परमिशन नहीं मिल पाया। तो गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में दिए हुए बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा जो अपडेट आएगा वीडियो में डालूंगा तो वो आपके पास सबसे पहले आएगा। तो गाइस, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हे गाइस, अभी मैं हूँ पुणे के एथलेटिक्स स्टेडियम में। कल से हमारा इवेंट स्टार्ट होने वाला, नेशनल पेंटाथलन इवेंट, जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है। तो आप वीडियो पे बने रहिए, कल से मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि ये जो हमारे झारखंड के पार्टिसिपेंट है कैसे परफॉर्मेंस किए हैं। हमारा झारखंड का टीम आया है, देख सकते हैं, ये हमारे झारखंड की टीम है सारे।